क्या नाम हुआ आपका? साधना देव। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा है, हम लोग नेता है, पॉलिटिकल है, नया चेहरा नहीं है। हम लोग का चुनावी मुद्दा है भी जनता को सेवा करना, चुनाव का विकास करना। और जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के बीच में संदेश देना चाहते हैं, हम लोग का नीतीश कुमार के सिपाही है। नीतीश कुमार ईमानदार नेता, ईमानदार कार्यकर्ता, ईमानदार नेता के ईमानदार सिपाही है, जो उनके रास्ते पर चलते हैं, उनका जो योजना है वो जनता के बीच में लाएंगे। आप विधायक से भी चुनाव मैदान में आए थे? चुनाव मैदान में आए थे, लेकिन थोड़ा सा वोट के लिए मिस हो गया, इसलिए जनता का आग्रह था कि जनता की सेवा करने के मौका दिया जाए। बड़ा सीट नहीं मिला, लेकिन छोटा सीट अगर जनता दे देता है तो मैं उसके लिए विकास के लिए मैं खड़ा उतरूंगा। क्या दल के लोग भी आपको साथ दे रहे हैं? जी, खुल करके। और कोरोना काल में आपका क्या रोल रहा? कोरोना काल में हमारा रोल तो जो है, लेकिन हमारा सरकार का रोल रहा, एक पैर पर पूरे बिहार को सेवा करने का मौका मिला। जितने के बाद आप क्या पहला प्राथमिकता क्या होगा आपका? जितने के बाद हमारा मुद्दा है जनता के विकास की सेवा करना, जनता के विकास करना। शिक्षा पर आप क्या कहेंगे? शिक्षा पर हमारा शिक्षा पर एक नंबर मुद्दा रहेगा। शिक्षा पर जो मुद्दा है, जो हमारे अलौली विधानसभा में 2 नंबर सीट से खड़ा हूँ, लेकिन अगर जीतने के बाद अगर हमारा मौका देता है जनता तो मैं अलौली विधानसभा के मैं सेवा करूँ। शिक्षा पर टोटल अलौली विधानसभा, ऐसे मैं प्रदेश महासचिव हूँ। पूरे बिहार के मेरा दौरा है, पूरे बिहार का दौरा है, अलौली विधानसभा नहीं, लेकिन अलौली विधानसभा के नेता होने के नाते मैं अलौली विधानसभा के सेवा करूँ। महिलाओं पर क्या कहना, महिला के लिए आप क्या करेंगे जीतने के बाद? महिलाओं पर हमारा, महिला पर एक नंबर वोटर हमारा महिला, जीतने के बाद हमारा सोम सहता चल रहा है, जीतता चल रहा है, मैं उस पर खड़ा उतरूंगी। जो सरकार के जो भूमिका है महिला के लिए, मैं उस पर खड़ा उतरूंगी महिला के साथ। जगदूत न्यूज के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? जगदूत न्यूज के माध्यम से, हम लोग के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम हमेशा यही कहेंगे कि मैं समाज के लिए सेवा करूंगी और समाज के लिए खड़ा उतरूंगी और समाज को जन जन तक विकास का सेवा करूंगी। Thank you.